हेलो एवरीवन, नमस्कार, वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी। मैं सुनील अभिव्यक्ति, दिल्ली मुखर्जी नगर से आप सबका स्वागत करता हूं। एक यूपीएससी इंटरव्यूअर, अभिव्यक्ति सिविल सर्विसेज मैगजीन का संपादक, लेखक, दिल्ली में प्रसिद्ध कोचिंग संस्थान का डायरेक्टर, अनएकेडमी का एजुकेटर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन, और सेशन जबरदस्त है आज का भी। ये सेशन बड़ा मुझे मजा आ रहा करने में, क्योंकि हम लोग कुछ ना कुछ क्वेश्चंस के हिसाब से कर रहे हैं। तो देख सकते हैं आज हम करने जा रहे हैं कोरोना वैश्विक संकट और विश्व स्वास्थ्य संगठन की प्रासंगिकता, यानी कि ये प्रश्न है, याद रखिएगा। क्या प्रश्न है आपका, कि क्या कोरोना काल में, यानी क्या कोरोना काल में जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रासंगिक रह गया। मैं प्रश्न यही लिख देता हूं, फिर आगे भी। क्या कोरोना काल में, याद रखिएगा क्या है, क्या कोरोना काल में विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रासंगिक रह गया है, प्रासंगिक रह गया है। अब आप देखें क्या प्रासंगिक रह गया है। अब यहां से आप चेक कर सकते हैं, तो कोरोना वैश्विक संकट और विश्व स्वास्थ्य संगठन की प्रासंगिकता का अपना टॉपिक है। बहुत बढ़िया, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, ये पेपर टू में डायरेक्ट क्वेश्चन। यानी आपको पता है महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं, संस्थान, उनके मैंडेट या उनका अधिदेश, प्रश्न पत्र दो आईआर खंड की अंतिम यूनिट है सिलेबस की। महत्वपूर्ण संस्थाएं, संस्थान, उनके मैंडेट, और उनके मैंडेट के कारण यानी उनके अपने क्या, उनकी पावर्स क्या है, क्या चीजें हैं उनका, ठीक है ना, और उसके कारण उत्पन्न होने वाले विषय। तो WHO, उसका मैंडेट, उसके पास पावर क्या, क्या उसका काम है, और उसके कारण उत्पन्न होने वाला विषय क्या है, कि कोरोना काल में विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या अप्रासंगिक रह चुका है, यह प्रश्न उठा क्यों। अब वो अंदर चेक करेंगे कि आखिर कोरोना क्या, कोरोना जब आया तो यानी WHO की भूमिका संदेहास्पद है, जिसके कारण से यह महामारी इतना बड़ा रूप ले पाई। यानी एक ऐसा वॉचडॉग वैश्विक स्तर पर, ये क्या है, वॉचडॉग है, किस चीज का वॉचडॉग है ये, कि कोई भी वैश्विक महामारी ना फैले, विश्व में स्वास्थ्य का सिस्टम अच्छा चले, बट अपने उस उद्देश्य के साथ क्या ये न्याय कर पाया, आइए चेक करते हैं। क्लियर है, तो ये चलते हैं। उसके पहले, सबसे पहले आप अनएकेडमी का सब्सक्रिप्शन अगर लेना चाहते हैं, आप ऑनलाइन कोचिंग यानी कि हमारे अनएकेडमी के सब्सक्रिप्शन के साथ हमारे प्लस प्लेटफॉर्म पर आप आना चाहते हैं, तो फाउंडेशन बैच 2021-22 आपका इंतजार कर रहा है, जिसमें एनसीईआरटी आल सब्जेक्ट्स प्लस एथिक्स और एसे पर क्लासेस चल रही हैं। एथिक्स, एसे, ऑप्शनल हिंदी साहित्य, क्या है, एथिक्स, एसे और ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर, याद रखिएगा ये क्लासेस चल रही हैं, आप आकर के जुड़ सकते हैं। ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, जितने बच्चे आते जाएंगे 2019 यानी आप समझ सकते हैं दिसंबर तक पूरा कोर्स आपका कंप्लीट, और दिसंबर के बाद यानी तुरंत यहीं से आपका प्रीलिम्स 2021 को टारगेट कर दूंगा, टॉप 50 चैप्टर्स, और एक बार में आप धमाका कर सकते हैं। विद एसके लाइव कोड देखिए बहुत कुछ है, अगर आप 2020 में कोर्सेस करना चाहते हैं तो भी याद रखिएगा, यूपीएससी या आप वैकल्पिक विषय हिंदी साहित्य में मेरे साथ जोड़ना चाहते हैं तो भी आप देख सकते हैं। एसके लाइव 12 महीने की फीस 36,000, 10% मेरे कोड का इस्तेमाल करने से डिस्काउंट, और 24 महीने की 43,200 रुपए। तो आप देख सकते हैं 12 महीने और 24 महीने के दो कोर्सेज आपका इंतजार कर रहे हैं, जो भी आपको कंफर्ट लगे। मुझे लगता है 24 महीने में आप आ जाइए और पूरा आप फाउंडेशन बैच यहां से कंप्लीट करिए 2020 को, हिंदी साहित्य को। क्लियर, चलिए स्टार्ट करते हैं। आफ्टर COVID-19 ब्लंडर, देखिए यहां क्या लिखा हुआ, आफ्टर COVID-19 ब्लंडर, यार देख सकते ब्लंडर शब्द कैसे होता है, जब आप प्रीलिम्स का कोई क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो ना, और जो एकदम इजी होता आता होता घर आता, अरे दादा घर आते क्या करते हैं, ब्लंडर हो गया। तो ये ब्लंडर याद रखें, इसका मतलब है कुछ WHO ने वैसा ही ब्लंडर किया जैसा हम प्रीलिम्स में इजी प्रश्न करके आते हैं और घर पे कहते हैं ओ माई गॉड ये क्या हो गया, तो ब्लंडर उसको कहते हैं। यानी कि आप एक आपको लगता है कि कितनी बड़ी गलती हो गई, तो क्या WHO से उतनी बड़ी गलती हुई है,
आइए एनालिसिस करते हैं. आफ्टर कोविड 19 ब्लंडर इज WHO रेलिवेंट टुडे. ये देख सकते हैं, यानी क्या ये आज रेलिवेंट है, याद रखिएगा. तो यही है आपका क्वेश्चन है, याद रखें. आफ्टर कोविड 19 ब्लंडर, आइए देखें. और इस अगर ये ब्लंडर है, हम क्या प्रूफ करेंगे या हम किस कंक्लूजन की तरफ बढ़ेंगे, यही कि अगर ब्लंडर है, पहले तो ये चेक करेंगे ब्लंडर है. और ऑब्वियस अगर ब्लंडर है तो क्या ये रेलिवेंट है. तो आइए चेक करते हैं अंदर, ब्लंडर और रेलिवेंट दोनों शब्द पकड़ लीजिए, ब्लंडर एंड रेलिवेंट. लेकिन ब्लंडर और रेलिवेंसी में चलने से पहले क्या चेक करते हैं, आइए थोड़ा सा विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में समझते हैं. देखिए WHO क्या है, संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है. क्या है, यानी WHO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो अंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए, यानी जो इंटरनेशनल स्तर पर पब्लिक हेल्थ के लिए एक जिम्मेदार संस्था. जरा ध्यान से कि क्या है ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पब्लिक हेल्थ के लिए एक जिम्मेदार संस्था. इसका मतलब कोविड के लिए जिम्मेदार संस्था कौन है, WHO. यानी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तगड़ी है, याद रखिएगा ये पॉइंट है आपका. तो पहली चीज ये हो गई फॉर्मेशन, थोड़ा आपके प्रीलिम्स के लिए भी फॉर्मेशन. इसका गठन कब हुआ, 7 अप्रैल 1948 को, 72 वर्ष पहले. ये यूनाइटेड, इसका टाइप यानी इसका प्रकार क्या है, तो यूनाइटेड नेशंस स्पेशलाइज्ड एजेंसी, UN की एक ये विशेष एजेंसी है. और लीगल स्टेटस क्या, एक्टिव है, आपको पता है, इसीलिए हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं, यानी एक्टिव है. हेडक्वार्टर्स इसका कहां है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में, ये सब याद करिएगा. इसके हेड कौन है, डायरेक्टर जनरल होता है इसका हेड, DG कौन है, टेड्रोस अधनोम. टेड्रोस, इनके ऊपर खूब क्वेश्चन उठ रहा है चीन से साठगांठ का. फिर इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी इसका पैतृक संगठन कौन है, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, याद रखिएगा इसका पैतृक संगठन है. तो ये फैक्ट है, याद रखिएगा, जो स्पष्ट रूप से कहता है ये क्या है, एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, याद रखिएगा, किसकी, यूनाइटेड नेशन की, जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ के लिए, यानी अंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य सिस्टम के लिए. वर्तमान में कोरोना महामारी इस स्ट्रक्चर के सामने, याद रखिएगा, किस रूप में आई है, अंतरराष्ट्रीय महामारी के रूप में. अब अंतरराष्ट्रीय महामारी जो बाद में बनी, उस महामारी को प्रसारित करने में इनकी कितनी भूमिका रही है, प्रसारित करने की बात मैं कह रहा हूं, आइए चेक करते हैं. देखिएगा आप, द US इज द वर्स्ट अफेक्टेड कंट्री टुडे बाय COVID-19. अमेरिका आज COVID-19 से सबसे ज्यादा प्रभावित देश है. अब आपको लगेगा कि मैं तो WHO पे बात कर रहा था, यहां कैसे आ गया, जी हां, यहीं से अपनी बातचीत स्टार्ट होने वाली, क्योंकि ट्रंप ने न्यूयॉर्क टाइम्स, अभी अगली स्लाइड में आपको मिलेगा वह, जो आज की जो न्यूज है वो 7 अप्रैल की न्यूयॉर्क टाइम्स से ही उठाई गई है, याद रखिएगा, और उसी का रेफरेंस लेकर के हम लोग सब कुछ बातचीत कर रहे हैं. यानी उस अखबार में क्या कहा ट्रंप ने कि WHO का पैसा अब हम रोकेंगे, और ये इसने जो है धोखा दिया है, यानी चाइना के साथ इसकी सांठगांठ है. अब आप देखिए, द US इज द वर्स्ट अफेक्टेड कंट्री हो गया, याद रखिएगा. न्यूयॉर्क सिटी रिपोर्ट्स अ रिकॉर्ड 800+ कोरोना वायरस डेथ इन वन डे April 8, 2020 की ये न्यूज है, किसकी, CNN की, सबसे विश्वसनीय न्यूज पेपर्स में आपके लिए या चैनल्स के कट आउट आपके लिए मैं लेकर के आया हूं, सब एकदम से विश्वसनीय. अब आप देखिए, यानी अब क्या हुआ, अमेरिका इससे सबसे ज्यादा प्रभावित है. अब देखिएगा, अमेरिका प्रभावित है, WHO ने क्या कह दिया. अब WHO ने क्या कह दिया, यहां यही लिखा है कि WHO के जो हेल्थ एक्सपर्ट हैं, यानी कि जो स्वास्थ्य विशेषज्ञ, यहां पे आप देवनागरी में हेल्थ एक्सपर्ट ही लिख सकते हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हैं, उन्होंने कहा, याद रखिएगा, कि ये US प्रेसिडेंट की गलती है. यानी आज अमेरिका इतनी कठिनाई में है, तो यहां पर WHO के एक्सपर्ट्स ने क्या कह दिया कि ये अमेरिकी राष्ट्रपति की नीतिगत गलती है, उन्होंने विलंब कर दिया इसको, ध्यान करिएगा एक एक शब्द, इन्होंने विलंब कर दिया, याद रखिएगा, पॉलिसी अपनाने में, इन्होंने इसको ये हल्के में लेते रह गए, जिसके कारण से क्या हो गया, ये डेंजरस स्थिति में आ गया अमेरिका, और सबसे ज्यादा इंपैक्ट US के ऊपर पड़ रहा है. यानी WHO हेल्थ एक्सपर्ट हैव सेड द US प्रेसिडेंट
पब्लिक डिनायल ऑफ द वायरस डेंजरस सोल्स द अमेरिकन रिस्पॉन्स विच इंक्लूडेड, यानी कि उन्होंने लेट रिस्पॉन्स किया, और याद रखिएगा फिर विच इंक्लूडेड इसमें क्या था, टेस्टिंग भी देरी से स्टार्ट की, याद रखिएगा, और इसके अलावा वो विफल रहे किसमें, किसी भी प्रकार के प्रोटेक्टिव गियर को अपने पास इकट्ठा करने में, चाहे टेस्टिंग हो चाहे पीपीई हो, हर चीज में इनको समस्या रही। इसका मतलब इसमें क्या कहा गया, हमें इन पंक्तियों से मतलब नहीं, सीधा सीधा अमेरिका, अब देखेगा न्यूयॉर्क टाइम्स का आज का 7 अप्रैल का अखबार है, वहां से मैंने लिया, ये क्या कह रहा है, यानी कि आज अमेरिका मुसीबत में, 8 अप्रैल की ये न्यूज, ठीक है, सीएनएन में साफ साफ ये रेफरेंस लिया गया। फिर क्या हुआ आगे, अब एक तो समस्या ऊपर से इनका स्टेटमेंट ये रहा है, इस मतलब उस विकराल समस्या में WHO ने अमेरिका को ही सीधे सीधे कटघरे में खड़ा किया। अब आइए आगे बढ़ते हैं, द न्यूयॉर्क टाइम्स, ये वही है कौन सा, 7 अप्रैल का, ये जो मैंने बेस लिया था, द न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार आपका, ट्रंप अटैक्स WHO ओवर क्रिटिसिज्म ऑफ US अप्रोच टू कोरोना वायरस, यानी कि ये जो ये WHO ने आलोचना करी है US प्रेसिडेंट की कोविड कंट्रोल के लिए जो उनकी पॉलिसी में मिस्टेकन थी अकॉर्डिंग टू WHO, तो यहां पे क्या किया गया, अब अमेरिका ने उस पर क्या किया है, रिवर्स अटैक कर दिया, ट्रंप अटैक WHO, यानी ट्रंप ने अटैक किया किस पर, यानी याद रखेंगे WHO पर, क्लियर है, यानी WHO, और उन्होंने कहा कि हम इनकी फंडिंग हम रोकेंगे, ऑब्वियस है चूंकि ये कहीं ना कहीं चीन के साथ मिले हुए हैं, क्लियर है, ये हो गया आपका, यानी इन्होंने WHO पर सीधा सीधा ब्लेम लगाया, इनकी मिस्टेक है। अब आप कहेंगे ये स्लाइड आपने क्यों लगाई, तो अमेरिका वाली स्लाइड यानी समस्या क्या है, उसके बाद हमने WHO को बताया कि WHO अमेरिका को लेकर क्या कहता है, और इधर अमेरिका ने WHO को जो है कह दिया, तो हमें क्या करना है, एज अ मेंटोर और एज अ एस्पिरेंट, आप हमें आपको एक परफेक्ट अप्रोच के साथ ले चलना है, तो दोनों का मैंने बताया, अब हम इसके बाद एनालिसिस करेंगे कि कौन सही है, ठीक है ना, और मेन फोकस क्या होगा, WHO रेलिवेंट है कि नहीं, मेन वही है। अब देखिएगा WHO यहां पर देखिए यह लिखा हुआ है कि जो WHO है डिक्लेयर्ड अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न, यानी जब इसे एक महामारी के रूप में घोषित किया है WHO ने जिस दिन, यानी 11 मार्च को इसे, मैं यहां लिख देता हूं आगे डेट भी है, 11 मार्च को, यानी अब हम यहां पर ये पढ़ रहे हैं कि अमेरिका और WHO में किसकी गलती है, यानी क्या एक्चुअल में अमेरिका अपने यहां की स्थिति के लिए जिम्मेदार है, WHO एक्चुअल में इस महामारी के लिए जिम्मेदार, अब हम वाद प्रतिवाद के बाद यहां पर एक निष्कर्ष तक पहुंचेंगे। तो क्या कह रहा है कि WHO ने पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी इंटरनेशनल कंसर्न के साथ घोषित करी, यही इसका मैंडेट भी है, अभी आपने पढ़ा था, इसका काम क्या है, अंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य का संरक्षण करना, तो WHO डिक्लेयर पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न, याद रखिएगा, अ डे बिफोर द यूनाइटेड स्टेट सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ, यानी कि उसने केवल 11 मार्च को किया, यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका के जो सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ हैं, याद रखिएगा, एंड ह्यूमन सर्विसेज अनाउंस्ड, उन्होंने भी घोषित कर दिया क्या, कंट्री ओन पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी, उन्होंने उसके अगले ही दिन अपने यहां पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दी, यानी कि यहां पर अमेरिका डिले नहीं कर रहा है, प्रेसिडेंट डिले नहीं कर रहे हैं, 11 को इन्होंने किया, 12 को अमेरिका ने कर दिया, हमारे यहां पर क्या है, इमरजेंसी है, याद रखिएगा। उसके बाद उन्होंने नेशनल इमरजेंसी भी घोषित कर दिया, यानी राष्ट्रीय आपातकाल भी घोषित कर दिया। अब आप विचार करें इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अब हम एक एनालिसिस की तरफ बढ़ रहे हैं कि अब यहां से WHO का, कि यहां पर हमने ये पकड़ा कि इन रेफरेंस आप WHO के संदर्भ में US की पॉलिसी कहीं से गलत नहीं, और WHO जो आक्षेप लगा रहा है वो कहीं 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 ना कहीं क्वेश्चन मार्क है, याद रखिएगा, आगे और वो प्रूफ होगा। अब देखिएगा आपातकाल, जो टेड्रोस हैं, टेड्रोस कहते हैं 31 जनवरी, अब यहां से हम WHO की प्रासंगिकता पर आ गए हैं, WHO की प्रासंगिकता इस समय विशेषकर कोविड में क्या है, याद रखिएगा, तो बिल्कुल कमजोर आ रही है, अब हम लोग उस निष्कर्ष, यानी देखिए ये अमेरिका के साथ
तू तू मैं कर रहे हैं, अब देखिएगा इनकी गलती। 31 जनवरी 2020 तक इस स्टेटमेंट से पता चलता है कि WHO की अप्रोच क्या है 31, जबकि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर का साक्ष इनके हाथ में आ गया था। टेड्रोस सेड, इनके जो डीजी हैं WHO के डायरेक्टर जनरल, वो कहते हैं देयर वॉज नो रीजन फॉर एनी ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेबल और ट्रेड रेस्ट्रिक्शन, यानी 31 जनवरी को ऑफिशियल करें कि भाई कोई आवश्यकता नहीं है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार और यात्रा को प्रतिबंधित करने की। और जबकि आपको पता है यात्रा और व्यापार से ही ये एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा है पूरे विश्व में। सच एज फ्लाइट सस्पेंशन, जैसे कि भाई फ्लाइटों को सस्पेंस मत करो यानी फ्लाइट चलती रहे, बॉर्डर क्लोजर एंड क्वारंटीन फॉर अपेरेंटली हेल्दी ट्रेवलर्स, याद रखिएगा यानी यहां तक इन्होंने कहा आपको करने की आवश्यकता नहीं, यानी कुछ भी मत करिए। अब देखिए इसका मतलब है कि यहां से निकलने लगा कि WHO चीजों को समझ नहीं पा रहा था या कुछ छुपा रहा था। मार्च 11 को WHO फाइनली डिक्लेयर द ग्लोबल आउटब्रेक ऑफ COVID-19 पेंडेमिक एज द टोटल नंबर ऑफ केसेस अक्रॉस 118 अफेक्टेड कंट्रीज रीच्ड 121,564। अब देखिए यहां पर इररिलेवेंसी इसकी यह हो रही है कि 118 जब देश अफेक्ट हो गए और ये देखिए 121,000 से ज्यादा लोग इसके संक्रमण में आ गए, तब इस संस्था ने घोषित किया कि ये अब पैंडेमिक है, महामारी है। इसका मतलब इसने अलर्ट करने में बहुत विलंब कर दिया। इनफैक्ट ये तब किया, जरा गौर करिएगा, जब चाइना इस COVID-19 के आउटब्रेक से बाहर निकलने की तरफ मतलब स्टार्ट हो गया था, यानी कि चाइना बाहर निकलने की तरफ रेडी हो रहा था। यानी इसका मतलब है दोनों के बीच में साठगांठ का क्या ऐसा रेफरेंस हो सकता है, क्योंकि चाइना नंबर दो पे है WHO का डोनर और वो नंबर एक पे बन भी सकता है, अमेरिका हटेगा तो वो डोनेट करने लग जाएगा। ठीक है, तो क्या है वो चीजें आपको देखनी है। वी वर डीपली कंसर्न बोथ बाय द अलार्मिंग लेवल्स ऑफ स्प्रेड एंड सेवरिटी एंड बाय द अलार्मिंग लेवल ऑफ इनएक्शन द WHO चीफ सेड, यानी कि अब उन्होंने कह दिया कि अलार्म बज गया है, समस्या हो चुकी है, लेकिन अलार्म उन्होंने देरी से बजाया। देखिए क्या है, हेल्थ एंड साइंस अखबार है ये, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर्ड, CNBC देख सकते हैं, CNBC से लिया गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑन डिक्लेयर्स द कोरोना वायरस आउटब्रेक ऑफ ग्लोबल पैंडेमिक, ये देख सकते हैं। अब उन्होंने 11 मार्च को ये घोषित किया, देखिए ये अखबार क्या पब्लिश्ड वेडनेसडे 11 मार्च, यानी ये हो गया आपका। फिर इसके बाद क्या, अब देखिए टाइमलाइन ऑफ WHO एक्शन, यानी आप मेरी बात से या हम लोग या आप किसी को समझाएं तो हो सकता है वो कहे नहीं यार ऐसा नहीं अमेरिका की चाल पाक ये वो, तो अब देखिए WHO की इररिलेवेंसी को इन द टर्म्स ऑफ जो है इन रेफरेंस ऑफ यानी कि कोविड के संदर्भ में इररिलेवेंटी या प्रासंगिकता, देखिए क्या जनवरी 14, 2020, देखिए ये टाइमलाइन दी हुई है, यानी जनवरी 14, 2020 को इससे ये पता लग गया कि ह्यूमन टू ह्यूमन इसका ट्रांसमिशन हो रहा है, कब हो रहा है देख सकते हैं ह्यूमन टू ह्यूमन। बट उसने याद रखिएगा 31 जनवरी को, अभी हमने स्टेटमेंट क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था 31 जनवरी को उसने कहा कि नहीं अंतरराष्ट्रीय टूर और ट्रेवल को बंद नहीं करना चाहिए। अब आप देखिए कितना बड़ा गलत, यानी कि जब आपको पता लग गया है, याद रखिएगा किसके द्वारा, चाइनीज अथॉरिटीज, दैट देयर इज नो क्लियर एविडेंस ऑफ ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन, यानी ये क्लियर नहीं था उन, मतलब चीन ने जानकारी छुपाई 14 जनवरी, चीन जानकारी छुपा रहा, अगर चीन की अथॉरिटी कह रही है कि ऐसा नहीं है तो WHO की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कि उसको वो चेक करता। तो याद रखिएगा कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन पर बातचीत चल रही थी, चाइना के बारे में सबको पता, जानकारी छुपाता है, तो इसके मन में क्या ये नहीं आया होगा कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर हो रहा, कुछ पता था लेकिन उसके बाद भी ये चुप रहा। पूरा विश्व का मीडिया इस बात पे क्वेश्चन हो रहा उठा रहा, इंक्लूडिंग इंडियन मीडिया भी। जनवरी 23, 2020, अब देखिएगा रिकॉग्नाइज ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन ऑफ COVID-19 एंड रिकमेंड्स एयरपोर्ट एग्जिट स्क्रीनिंग, याद रखिएगा। अब देखिए और उसके बाद WHO की इमरजेंसी कमेटी मिलती है, देखिए क्या हो गया, 14 को था कि चाइना ने कहा कि नहीं है, ये महाराज चुप रहे कब तक,
23 तक, जबकि चाइना में बहुत तेजी से ये फैल रहा था लेकिन ये चुप रहे। 23 जनवरी, भाई कैसे फैल रहा, ह्यूमन टू ह्यूमन ही तो फैल रहा है ना। आप सोचिए इतनी बड़ी संस्था, अगर चाइना कह रहा है कि मेरे पास मतलब जानकारी है कि ऐसा नहीं हो रहा, फिर कैसे फैल रहा है? तो फिर 23 को इनको पता लग गया, यानी कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर ऑफिशियली, मतलब इन्होंने कहा, और इन्होंने कहा कि एयरपोर्ट के एग्जिट पर क्या करना है, स्क्रीनिंग करनी है, और पूरे विश्व में स्क्रीनिंग स्टार्ट हो गई। फिर इनकी एक इमरजेंसी कमेटी मीटिंग हुई, पहली बार, फर्स्ट टाइम, कब हुई है, 23 जनवरी को, लेट है आदमी। फिर उसके बाद 31 को हम लोगों ने पहले देख लिया कि तब उन्होंने जाकर के 31 तक कहा कि नहीं, स्क्रीनिंग चलती रहे, लोग आते जाते रहे, जबकि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इन्हें पता लग गया। क्या इनको यह नहीं पता था? और मुझे तो लगता है वैश्विक नेतृत्व भी यहां विफल रहा है, इंक्लूडिंग इंडिया, कि जब ये पता लग गया कि ह्यूमन टू ह्यूमन हो रहा, तो फ्लाइट ही सबसे बड़ा रीजन होगा, लेकिन फ्लाइटें तो रुकी नहीं, देख ही सकते आप। फरवरी 4, 2020, इसीलिए नेतृत्व थोड़ा अलग होना चाहिए। फरवरी 4, 2020, अब उन्होंने क्या किया कि जो जितनी भी सरकारें हैं उसके साथ WHO ने शेयर करना स्टार्ट कर दिया डाटा वगैरह। फरवरी 7 उन्होंने क्या किया, हाईलाइट किया कि वैश्विक स्तर पर जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है उसमें कमी आ गई है। यानी अब यहां से समस्या देखिए क्या, पैंडेमिक के साथ जो पैंडेमिक के फाइटर्स हैं, याद रखिएगा, उनके लिए सुरक्षा उपकरण की कमी हो गई, जिसके कारण से वो खुद संक्रमित होने लगे। फरवरी 12 पब्लिश ऑपरेशनल प्लानिंग गाइडलाइन फॉर कंट्रीज, अब उन्होंने कहा विभिन्न देशों के लिए ऑपरेशनल प्लानिंग, यानी अब आप कोविड से लड़ने के लिए किस प्रकार के कार्यक्रम अपनाएं वो करना। फिर उसके बाद फरवरी 20 याद रखिएगा, उन्होंने कहा वार्स दैट द विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी में क्लोज, यानी कि अभी भी यहां पर क्लियर नहीं है। वो कह रहे हैं कि जैसे कि जो अवसर की खिड़कियां हैं वो अभी मतलब में क्लोज, यानी कि बंद हो सकती हैं। अवसर की खिड़कियां मतलब अभी भी कहीं ढीला ही है, यानी वैश्विक रूप से अगर कुछ आदान प्रदान चल रहा है तो चल सकता है, में क्लोज, यानी यहां पर इसको सर्टन लिखना था, सर्टन क्लोज, लेकिन इन्होंने नहीं लिखा, और टाइम है 20 फरवरी, इसका मतलब। फिर इसके बाद फरवरी 24 रिकॉग्नाइज पोटेंशियल, अब इन्होंने क्या किया, यहां पर यह आया कि महामारी थोड़ी विकराल है, अब यहां पर 24 फरवरी। 27 फरवरी याद रखिएगा, वाइटल क्वेश्चंस फॉर हेल्थ मिनिस्टर्स, यानी लिस्ट, यानी कि जितने भी स्वास्थ्य मंत्री होते हैं उनके लिए लिस्टिंग करी कई क्वेश्चंस की, कि उनको क्या क्या करना है। फरवरी 28, 2020 एक रिपोर्ट को रिलीज किया, रिपोर्ट ऑफ द WHO चाइना ज्वाइंट मिशन ऑन कोरोना वायरस डिसीज 2009, ये प्रीलिम्स के लिए याद रखिएगा, कि WHO ने चीन के साथ मिलकर के ग्लोबल पैंडेमिक के लिए जो रिलीज निकाली उसका शीर्षक क्या था, तो रिपोर्ट ऑफ द WHO चाइना ज्वाइंट मिशन ऑन कोरोना वायरस, ये इसका नाम था, ये रिलीज करा कब, 28 फरवरी, वो भी किसके साथ मिलकर, चाइना के साथ मिलकर के, समझ रहे ना। फिर क्या हुआ, 5 मार्च रिकमेंड्स वाइड टेस्टिंग, कहा भैया फैल चुका, वाइड टेस्टिंग करो, अब जरा डेट ध्यान करिएगा, और मार्च 11 को अनाउंस ऑफ पैंडेमिक, एक महामारी 11 मार्च को। चाइना धीरे धीरे ओवरकम कर रहा है, चीन क्या कर रहा है देख लीजिएगा, चीन क्या कर रहा है, अब विश्व के अन्य देशों में सारी चीजों की सप्लाई कर रहा है, अभी खाद्य की भी सप्लाई करेगा, यानी समझ रहे हैं, कुछ ऐसा इशारा मीडिया वगैरह कर रहे हैं, अब देखिएगा। अब यहां से क्वेश्चन, 1 मंथ डिले बाय WHO हैज अलाउड द कम्युनिटी ट्रांसमिशन ऑफ द डिजीज एमंग ग्लोबल पैसेंजर्स हु आर लेट गो विदाउट क्वारंटीन बट नाउ रिटर्निंग टू हॉस्पिटल्स विद COVID-19 सिम्टम्स, व्हाई द डिले, यानी यहां क्या कहा गया कि 1 महीने का डिले, यानी उससे फरवरी में ही सारी चीजें पता लग गई थी, जरा याद रखिएगा कब पता लग गई थी, देखिए क्या है, फरवरी जनवरी में ही, यानी देखिए फर्स्ट टाइम 23 जनवरी को उसको पता लग गया था, याद रखिएगा ये हो गया, ठीक है ना। 12 फरवरी को उसने जो है ऑपरेशनल प्लानिंग कर दी थी, लेकिन 1 महीना लगा दिया, तो ये डिले क्यों, वाई द डिले, यानी कि 1 मंथ डिले बाय WHO हैज अलाउड टू कम्युनिटी ट्रांसमिशन, याद रखिएगा, विद एमंग ग्लोबल पैसेंजर्स, यानी जो ग्लोबल पैसेंजर थे जो प्लेनों में यात्रा करते थे उनके द्वारा इस महामारी को फैलने देने की छूट मिल गई, याद रखिएगा ये इन्होंने किया। तो यहां पर प्रश्न है,
और आज वही पैसेंजर्स जो ग्लोबल पैसेंजर्स थे आज कोरोना के वाहक हैं और हॉस्पिटल्स में हैं, खुद भी हैं, अपनी फैमिली और साथ में अन्य लोगों को भी वो इन्फेक्ट कर चुके हैं। अब देखिएगा, इसीलिए यहां पर प्रश्न है वाई द डिले, यानी ये डिले क्यों किया गया। देख सकते हैं विश्व का मानचित्र, ये देख सकते हैं सारे महाद्वीप है, यहां पे सारे महाद्वीप हैं, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, सारे महाद्वीप हैं, रेड 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 आपको दिखाई पड़ रहा है। तो आप देख सकते हैं वाई द डिले, यानी कब लिया गया, जब ये रेड स्पॉट हर जगह बनते चले गए। इसका मतलब अगर आप चाइना के प्रति वायस नहीं भी हैं, पूर्वाग्रह नहीं भी रखते हैं, तो भी आपकी कार्यशैली पर तो प्रश्न उठेगा। निबंध यूपीएससी में पूछा था, किसी भी संस्था का चरित्र उसके नेतृत्व में प्रतिबिंबित होता है। तो डब्ल्यूएचओ एक संस्था, उसका नेतृत्व जो वर्तमान में डीजी है वो कमजोर है, याद रखिएगा नेतृत्व कमजोर है। ऐसे में अगर नेतृत्व कमजोर है और सही समय पर निर्णय नहीं ले पाता है कोई संगठन, तो स्वाभाविक उसके कारण अगर वैश्विक विपदा आती है तो उस विपदा को ध्यान में रखते हुए हम इसे इररेलीवेंट कह सकते हैं, कि यानी कि वर्तमान में यह इररेलीवेंट है। WHO के अधिकारी इस तरह की घोषणा करने से हिचक रहे थे, याद रखिएगा, बड़ा गजब है, उनका ऑफिशियल है, हम हिचक रहे थे, हम कैसे करते, क्यों हिचक रहे थे। अरे बाबा, आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, मेजर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रेमिफिकेशन, यानी कि राजनीतिक और आर्थिक असहूलियतें हो जाएंगी, दिक्कतें आ जाएंगी। अब क्या हो रहा है, राजनीतिक आर्थिक, अब तो राजनीति और अर्थ दोनों ही एक नया स्वरूप ग्रहण करने वाले हैं। इकोनॉमी तो खत्म हो जाएगी, बहुत, मतलब खत्म होने का मतलब ये नहीं, बहुत लो चली जाएगी, जिसका इंपैक्ट सब क्षेत्र वालों को उठाना पड़ेगा। तो ऑबियस है, ग्लोबल हेल्थ एक्सपर्ट से वो कह रहे थे कि हम तो भैया हिचक रहे थे। क्यों हिचक रहे थे, इसलिए हिचक रहे थे चूंकि इससे क्या होगा, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल बहुत ज्यादा स्लो डाउन हर चीज में चला जाएगा। अब क्या हो रहा, इंक्रीज हो रहा। लीडरशिप दूरदर्शी होता है, इनका लीडरशिप दूरदर्शी नहीं था। और वैश्विक भी, जब ग्लोबल पैसेंजर, आपको पता है कि चाइना वाला इटली जा रहा है, इटली इंडिया वाले भी जा रहे हैं, तो ऑब्वियस है इसका मतलब नेतृत्व भी समझ नहीं पाया, उसको हल्के में लेता रहा। याद रखिएगा, सब एक दूसरे का मुंह देखते रहे, अमेरिका नहीं कर रहा तो हम कैसे करें, सब एक दूसरे का मुंह देखते रह गए, इसी कारण इतनी बड़ी विपदा आ गई। ब्लूमबर्ग न्यूज, ब्लूमबर्ग अखबार है ये, न्यूज है उसकी, कब की, 12 मार्च की, देखिए 12 मार्च की है, 11 मार्च की इन्होंने पैंडेमिक घोषित किया। WHO पैंडेमिक डिक्लेरेशन केम टू लेट, देखिए ब्राजील ने उसी टाइम, याद रखिएगा उसी टाइम, ब्राजील का आधिकारिक घोषणा, मतलब आधिकारिक वक्तव्य अखबार में है, क्या आया कि इन्होंने लेट कर दिया। इसका मतलब है कि एक्चुअल में इन्होंने लेट किया, ऐसा नहीं कि ब्राजील के कहने से, लेकिन सरकारों ने जब कमेंट करना स्टार्ट किया, इसका मतलब इन्होंने लेट कर दिया। और WHO अगर लेट करता है, याद रखिएगा, तो प्रश्न तो उठता है ना, क्या प्रश्न उठता है, क्या WHO चीनियों का समर्थन कर रहा था, वाज WHO सपोर्टिंग द चाइनीज, क्या चीनियों का समर्थन कर रहा है, याद रखिएगा। अब देखिए इंटरनेशनल बिजनेस टाइम्स की यह न्यूज है, किसकी न्यूज है, इंटरनेशनल बिजनेस टाइम्स की, डिड WHO डिले टू डिक्लेयर कोरोना वायरस पैंडेमिक एज चाइना वाज फ्रेंडली एंड सेकेंड हाइएस्ट डोनर, यानी क्या कर रहा था, याद रखिएगा, कि क्या वो चाइना के प्रभाव में, चाइना की मित्रता में वह जो है इसे महामारी घोषित करने में समय लगा रहा था, चाइना की मित्रता में, याद रखिएगा, और वह सेकेंड हाइएस्ट डोनर भी है। चाइना इज accused फॉर हाइडिंग फैक्ट अबाउट कोरोना वायरस, चाइना के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं विश्व के कई देशों के द्वारा कि उसने कोरोना वायरस के बारे में फैक्ट छुपाए, तथ्य छुपाए। WHO लेट द सिचुएशन वर्स, बट WHO ने इस स्थिति को और खराब कर दिया, उसने छुपाया, ये चुप रह गया। ताइवान accused WHO, ताइवान साफ कह रहा है WHO फॉर नॉट शेयरिंग इनफ इंफॉर्मेशन अबाउट कोरोना वायरस ड्यूरिंग द इनिशियल स्टेज ऑफ द आउटब्रेक, यानी जब इनिशियल स्टेज था, जो फरवरी वरवरी हम लोगों ने डेट देखी, ताइवान कह रहा है अगर उसी टाइम हमें बता दिए होते तो इस प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़ता। ताइवान ने भी उंगली उठाई। डिड WHO हेड प्राइवेटाइज पॉलिटिक्स ओवर हेल्थ, यानी क्या WHO के जो हेड है, डीजी साहब है, ये क्या कर रहे थे, वह उनकी प्राथमिकता राजनीति थी,
हेल्थ नहीं थी, यानी क्या वो हेल्थ के ऊपर राजनीति को प्राथमिकता कर रहे थे, यानी चीन के साथ मिल करके क्या कर रहे थे, यानी कुछ प्लान कर रहे थे, याद रखिएगा। तो ये है WHO बिकेम्स चाइनास कोरोना वायरस एकम्पलिस, बीजिंग इज पुशिंग टू बिकम अ पब्लिक हेल्थ सुपर पावर। यानी अब यहां पर ये बताया गया है, कुछ सोर्सेस कहते हैं कि बीजिंग, याद रखिएगा, पब्लिक हेल्थ के सेक्टर में, पब्लिक हेल्थ के सेक्टर में सुपर पावर बनना चाहता है, पब्लिक हेल्थ के सेक्टर में सुपर पावर बनना चाहता है, एंड क्विकली फाउंड अ बिलिंग इंटरनेशनल पार्टनर, और उसे एक इंटरनेशनल पार्टनर चाहिए जो WHO से बड़ा इंटरनेशनल पार्टनर क्या हो सकता है। अब चारों तरफ विपदा है, चाइना में सब कुछ खुल गया है, चाइना में फैक्ट्रियां काम कर रही हैं, बीच बीच में सगुफे आ जाते हैं, कुछ मामले उठ रहे हैं, पता नहीं उठ रहे हैं कि नहीं उठ रहे हैं, हर चीज तो आप अखबार पर सरकार का नियंत्रण है, यानी अब क्या हो गया, फाउंड अ बिलिंग इंटरनेशनल पार्टनर, तो ये हो गए पार्टनर, यानी WHO अब क्या करेगा, WHO पूरे विश्व में चाइना की पीपी, चाइना के गियर जो भी होते हैं इक्विपमेंट, चाइना की दवाएं, चाइना का रसद, चाइना का भोजन हर जगह पहुंचाया जाएगा। हमारा पाकिस्तान उदाहरण वहां आ रहा है। तो अब आप सोच सकते हैं ये क्या ऐसा है, ये क्वेश्चन उठाया जा रहा है, याद रखिएगा। फिर इसके बाद अब यहां पर यह बताया गया है कि ऐसा नहीं कि यह पहली बार विफल हो रहा है, थोड़ा बैकग्राउंड पृष्ठ भूमि भी देख लेते हैं, यानी इसका फेल्योर वर्ड ऐसा नहीं कि अभी का फेल्योर, एक फेल्योर और था 2014 में जब इबोला वायरस आया था, याद रखिएगा, वहां पर उस टाइम भी 11,500 लोग बेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज में, तीन बेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज में मारे गए थे, तब भी याद रखिएगा इन्होंने डिले किया था, इसका मतलब इनकी कार्यशैली में भी कमी है, यानी वो एक तो हो सकता है चाइना वाला एंगल, बट इनकी कार्यशैली में भी कमी है, याद रखिएगा, यानी ये उस टाइम पर किए थे इबोला वायरस के टाइम पे, और अब एंड नाउ कोरोना केयरलेसनेस, याद रखिएगा, अनप्रिपेयर टू फाइट सच अ ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी, देन व्हाट इज द रोल ऑफ WTO। यानी कहा गया कि ये अगर यहां भी इबोला में भी फेल थे, फिर वर्तमान में कोरोना के मामले में केयरलेसनेस, यानी इनकी शिथिलता रही है, ये केयरिंग नहीं रहे हैं, अपने मैंडेट के साथ नहीं गए। फिर प्रश्न उठता है, अगर ये ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी, देखिएगा जरा, ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी, वैश्विक स्वास्थ्य आपदा से निपटने के लिए ये तैयार नहीं है, प्रिपेयर नहीं है, तो फिर इसकी आवश्यकता क्या है, ये क्वेश्चन मार्क यहां पर लगा हुआ, याद रखिएगा। अब उसके बाद जब इतना सब कुछ हो गया है, मिशन सॉलिडेरिटी, WHO मिशन सॉलिडेरिटी, अब ये निकाल रहे हैं कि भाई अब हम क्या करेंगे, राष्ट्रों को क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे प्रिवेंटिंग के लिए, डिटेक्ट करेंगे यानी कि रोकथाम करेंगे, पहचान करेंगे, त्वरित प्रक्रिया करेंगे, इसके लिए इन्होंने कोविड सॉलिडेरिटी रिस्पॉन्ड फंड भी बना दिया है। अब इतना देर करने के बाद इससे क्या होने वाला, अब तो ये विपदा हो चुकी है, पहले लोग जान बचाएं, उसके बाद सॉलिडेरिटी आपका आएगा, आप समझ सकते हैं, यानी ये बनाया गया, इसका भी सबसे बड़ा हिस्सेदार कौन होगा, चाइना ही होने वाला है ना, क्योंकि अमेरिका ने तो कहा है कि वो अपना हिस्सा काट देंगे, और ट्रंप है तो अगर उन्होंने कहा काटेंगे तो काट देंगे, इसका मतलब चाइना यहां पर आ गया, अब इनके भागीदार के रूप में यहां पैसे देगा, और पूरे विश्व में चीजों को बेच बेच करके अब इस समय वो हेल्थ सेक्टर का सुपर पावर बन के उभरेगा। क्यों? क्योंकि जो सबसे बड़ी सुपर पावर है अमेरिका, वो बुरी तरह से, आसान नहीं है, जिस देश में अराउंड 3.5 लाख हो चुके हैं, रोज ही बढ़ रहे हैं, तो आप समझ सकते 33 करोड़ के आसपास उनकी आबादी है, अगर आंकड़े थोड़ा बहुत आगे पीछे मेरे ना हो, तो आप समझ सकते हैं उसमें से अगर 3-4 लाख अभी हैं, आगे और बढ़ेंगे तो किस प्रकार के संकट में है हेल्थ सुपर पावर चाइना, WHO उसका सहयोगी, आप याद करिएगा। Now in action too little too late, यानी एक्शन आपने लिया मिशन सॉलिडेरिटी, बट आपका ये एक्शन बहुत छोटा है और बहुत क्या है, लेट हो चुका है, बहुत छोटा और बहुत विलंब से आपका एक्शन है मिशन सॉलिडेरिटी, याद रखेंगे। फिर इसके बाद क्या है, अब एक प्रश्न है, क्या WHO ने, अब आप लोग इस पर आपके विचार चाहिए कमेंट बॉक्स में, इस पर आपके विचार चाहिए किसमें, कमेंट बॉक्स में, किसमें चाहिए, कमेंट बॉक्स में चाहिए, ये याद रखे, किसमें चाहिए, कमेंट बॉक्स में। क्या WHO ने राजनीति को स्वास्थ्य के ऊपर रखा है, क्या WHO ने, डिड WHO पुट पॉलिटिक्स ओवर हेल्थ,
तो अब आप बताएंगे, इसका आंसर आप देंगे, आपके लिए खुला हुआ है। और कमेंट बॉक्स में क्या WHO ने राजनीति को स्वास्थ्य के ऊपर रखा है, तो ठीक है, मिलते हैं बच्चों छोटे से ब्रेक के बाद। टॉपिक आज का आपका खत्म होता है यहां पे, क्लियर है। और कल सुबह द हिंदू में, तब तक के लिए जय हिंद, लेट्स क्रिकेट।